मातृवैश्य समाज जयंती के समापन के अवसर पर अखिल भारतीय मातृवैश्य समाज द्वारा कस्बा शमशाबाद में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए कवियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके चलते कविताएं एवं गजलों को सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कवियों ने ऐसा समा बांधा कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर तो गूंज उठा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अवनीश कांत गुप्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का शुभारंभ कवियों द्वारा माँ सरस्वती की वंदना कर किया गया। सम्मेलन का संचालन दीपक दिव्यांशु ने किया। हमारे मातृवैश्य समाज के 131वीं जयंती संचालन में बड़ी धूमधाम से मनाए और लगातार 3 दिन से कार्यक्रम है। आज हमारा विराट कवि सम्मेलन चल रहा है और अपना मातृवैश्य समाज पूरा इसका आनंद ले रहा है कवि सम्मेलन का, और अदर समाज भी कवियों को जो बाहर से कवि आए हैं, अपने 11-12 कवि हैं और कविता जो कवित्री हैं, 3 कवित्री वो भी आई हैं और उस सबको सुनने के लिए बड़ी आनंदपूर्वक आनंद ले रहे हैं कवियों का। और अच्छी तरह रात लगभग 1 बज गया, लेकिन कोई किसी का मन नहीं हो रहा घर पर जाने का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है घर पर भी जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग जमे हुए हैं और कवियों का आनंद ले रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में करीब कितने लोगों का इसमें योगदान? इसमें वैसे तो अपने पूरे समाज का ही योगदान है, क्योंकि उनके ही द्वारा ये 3 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन अपने जयंती प्रायोजक अध्यक्ष और संयोजक 6 लोगों के लिए इसमें कार्यक्रम जो कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है वो 6 लोग हैं, जिसमें दिलीप कुमार हमारे मासा हैं, वो उनके द्वारा ही ये मान के चले कि ये कवि सम्मेलन और अपनी स्वासबंदी के सभासद हैं, इन दोनों की मेहनत से हम लोगों ने ये कवि सम्मेलन कराने का वो रखा। जो जिस तरह से विराट कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, क्या कह रहा है इस विषय में, कितने कवि यहाँ पर आए हैं और कौन कौन से ये कवि हैं? ये अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के उपलक्ष्य में एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हमारी मातृवैश्य शाखा सभा शमशाबाद ने किया है। इस कवि सम्मेलन में हास्य वीर रस श्रृंगार रस की कवित्रियाँ, करीब 10 कवि और कवित्रियाँ हैं यहाँ पर एकत्रित हैं और काव्य रस चल रहा है और समस्त लोग काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं। ये कार्यक्रम 9 बजे से चल रहा है, अभी करीब 1 बजा हुआ है, काफी पाठ निरंतर जारी है और संभावना है ये 4 बजे तक समय तक चले। इस आयोजन में करीब कितने लोगों का हुजूम यहाँ पर हुआ? इस कार्यक्रम में यहाँ कम से कम 2000 लोग थे, अभी भी प्रांगण खचाखच भरा हुआ है, करीब 1000 लोगों की अभी भी उपस्थिति है, 1000 लोग यहाँ से काफी पाठ का आनंद लेकर के जा चुके हैं। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था थी, कुछ लोग जा चुके हैं और अभी भी काफी लोग। अच्छा, इस तरीके का सम्मेलन हर साल किया जाता है? इसी साल किया तो प्रत्येक वर्ष जाता है, लेकिन इस साल कुछ अति उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसलिए इस साल सारा काम बहुत ही उत्साह के साथ हो रहा है। इसके साथ साथ आगे क्या इससे भी अच्छा? ये तो हमारा बिल्कुल टारगेट है कि अगले वर्ष इससे भी बेहतरीन कवि सम्मेलन, इससे बेहतरीन कार्यक्रम करेंगे। कवि सम्मेलन अगली साल जो होगा वो बाकी में ही विराट होगा।